भाई सेम अपने बुफर ये रहे, बैंक अपना ये रहा, बस हमने ये ऐड कराया इसमें क्षेत्र पता। तो भाई हमारे पास ना स्विफ्ट के पिलर बोर्ड भी आ चुके हैं मन के, और वर्रा के भी आ चुके हैं। पहुंच चुके हैं आज 100 रुपये रात के 10 बजे, लेकिन काम चल रहा है 4 बजे से, क्योंकि इंटरव्यू भी शूट हो रहा है। चलो भाई आज वर्रा में, आज वर्रा में हम लगाएंगे भाई 84-90 और डिकोडर 52-90 हटा के भाई शिफ्ट हो जाएगा अपने वीजा में, क्योंकि 52-90 उसके लिए ज़्यादा जरूरी है, इसके लिए कोई ज़्यादा लोड नहीं थी उसमें, 84-90 लगना नहीं और डिकोडर इसमें लगना है, तो वो हटना है तो वो हटा के मैंने लगा दिया इसमें, क्योंकि 52-90 इसमें हटाना पड़ेगा मजबूरी हमारे, तो इसमें काम कर लेते हैं, सारा काम आपको दिखाएंगे और इसका आउटपुट भी सुनाएंगे आपको, और एक आधा काम इसमें और भी ऐड करा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब काम करते रहते हैं धीरे धीरे, क्योंकि इंट्रो बाद में हो रहा, काम तो मैंने बहुत देर पहले कर लिया, तो अब आगे देखते रहेंगे जो भी होता रहेगा, जिसमें करना है ना उसमें नहीं कर रहे, फालतू काम बहुत सारा कर रहे हैं। तो इसमें अब हमने जो DSP लगा कर वो हटा दिया, अब ब्रीजा का जो 84-90 का डिकोडर निकला था वो लगा देंगे इसमें, और इसको 52-90 लगा देंगे ब्रीजा में, क्योंकि वहाँ जहाँ जा रहे हैं 84-85 नकल घुसता है ना, ना प्रोसेसर और DSP होगा घुसता है, सच बात नहीं है कि ऊपर हट जाएगा तो वो परमानेंट ऐसी हो जाएगी, उसका जो भी उसमें डलेगा वो परमानेंट रहेगा, क्योंकि 84-90 और 76 अलग नहीं है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही पर्सनली। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, सारी हमने फिटिंग खोल दी, CDA खोली पड़ी, बूफर ये अपने, और बूफर की वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें लगा दिया आप सनडाउन, तो इसकी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी भाई, वरना में जितनी भी RC लीड हमारी डल रही थी वो हमने हटा दी है, अब बेकार ये सनडाउन की जो RC लीड थी भाई निकली थी, ये ख़राब हो जाती है या फिर हमारे पास ऐसी पड़ रही थी, उससे बड़े हमने एक क्या करा, हमने डाल दी अपनी वरना में, ये 3 RC लीड निकली थी, तो तीनों अपने काम आ गई, एक मोनो में काम आ जाएगी, दोनों 4 चैनल में काम आ जाएगी, पहले और आगे डल रही थी सारी RC लीड और अब डल रही है सनडाउन की, बस ये इसलिए लगा दी भाई कि बेकार काम का पड़ी रहती है, ख़राब हो जाती है, इसका जो व्यू आ जाएगी तो, और ये चीज़ भी अच्छी है सब। अब थोड़ी बहुत देर में हमने स्क्रू तो अपना लगा दिया, थोड़ा सा बाहर आ रहा बस, थोड़ा और अंदर हो जाता तो अच्छा लगता, लेकिन फिर पीछे अड़ेगा बढ़ेगा, एक दिक्कत हो रहा भाई इसके बटन नहीं चलेंगे अभी, और बटन चलाने के लिए मेरे पे एक इंटरफेस खरीदना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, खरीदना तो खैर क्या पड़ेगा, उसमें मेहनत लगेगी थोड़ी सी, तो इंटरफेस लग जाएगा तो ये बटन चालू हो जाएंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हो जाए मिल जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है थोड़ा। सारी वायरिंग सब एकदम सेट हो गई, डम हो जा रहा फिलहाल, ये ऐसे बसता अगर स्टॉक अगर आप 76 बजे ऑन नहीं करोगे तो, ठीक है बेटे, अगर तो रिमोट ही ना चल रहा हूँ यार, डाउन नहीं है अब मेरे को भाई, दोबारा सेटिंग करनी पड़ेगी 4 चैनल की दोबारा, क्योंकि इसमें जो है ना मिड बेस आ रहा वो मुझे चाहिए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी गाड़ी में पीछे बूफर लग रहे हैं, तो इसकी सेटिंग करेंगे दोबारा। तो भाई वरना के जो है ना सेटिंग भी हो गई, मोनो भी लग गया, 4 चैनल लग गए, अब इसका जो वोल्ट मीटर वो काफ़ी टाइम से जो है ना ऐसी घूमे जा रहा मजे में, अब घूमेगा जा रहा, आज ही तो लगा ये है ना, ठीक है अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं, तरीके से कटिंग करके अंदर लगा देंगे ताकि इधर उधर ना भगे, और वोल्ट ये बेस नॉब भाई मैं कभी नहीं लगाऊंगा, वो ऐसी पड़ा रहेगा सामने, क्योंकि मेरे को कहीं मन नहीं है छेद वेद करने का, ना मेरा मन है नट लगाने का, चैन लगाने का बिल्कुल मन नहीं है। पहुंच चुके अपने स्टोर पर, टाइम हो रहा है 3:30 बजे का भाई, तो स्टोर पर भाई पिछले ब्लॉग में आपने देखी होगी, इसमें हमने ऑडियो काम करा था सारा, और बेस का काम जो था वो भाई आ जाएगा करवा लें, इसका सारा इंटीरियर होगा, 2 1200 लगेंगे, पेटी लगेगी, मोनो लगेगा, बैटरी लगेगी, तो इसमें बेस का सेटअप और इंटीरियर ये काम होना है हमारे पास, और एक स्कॉर्पियो आना है भाई अक्षय की, इसमें होना है ब्लैक भी बने, ट्रांसमिटर दोनों का काम तो होना है, ट्रांसमिटर होने बाकी ब्रिजम बाइक काम चल रहा है, उसमें डैम्पिंग का काम चालू हुआ है कल से, और वायरिंग भी थोड़ी बहुत डल चुकी है, तो ये काम था उसका, बाकी जो काम करते रहते हैं इस गाड़ी में वो करेंगे, और अभी हम जाएंगे भाई चांदनी चौक, वहाँ सामान वामान लेकर आना है बहुत सारा, मतलब बहुत सारा सामान स्टोर का लेकर आना, ख़त्म भी हो रहा है, और 2-4 ऐसी चीज़ें जो हमें उसमें अपनी ब्रिजा के लिए भी चाहिए। चलो तो भाई अब इसमें काम कर लेते हैं, फिर चांदनी चौक चलेंगे, उसके बाद शाम को वापस आएंगे, और इसका एक एडवांस ख़राब हो गया हमारा CNG का, सारा भाई कह रहे हैं CNG दुखी कर दी, तो ये दुखी कर दिया, एडवांस ख़राब हो गया भाई, इसे चेंज करा के लेंगे, यहाँ भी जाना पड़ेगा, बस मिल जाएगा, मैंने रोड जाम कर दिया गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, चलो
तो भाई हनी के बलानो आ चुके हमारे पास दोबारा, इसका इंटरफायर हमने करवा दिया ठीक। अब अपना पाइन निकालेंगे, इंटरफायर लगा देंगे, बस इसमें यही काम है भाई, बाकी काम तो इसका सेट था पहले। ओ लग गई बच गई। तो भाई सुबह से कैमरा नहीं उठाया, अब बता देते हैं स्कॉर्पियन की जो डिटेलिंग काम हो गया कंप्लीट, अब सुबह भाई आएगा पीपीएफ कर देगा काम खत्म। और बात करें भाई अपने स्कॉर्पियो की, तो इसमें बैंक लग चुका है, एक बार बूफर दिखा देता हूँ। बूफर ही रहे भाई, अब बूफर हम इसमें लगा रहे भाई INDI 1000, दो बूफर लगा देंगे, एक बूफर ये रहा एक ये रहा, बड़ी पेटी बढ़वा दी बढ़िया वाइपर की। और वायरिंग का काम इसमें भाई 90% ख़त्म है। तो बैठ चुके भाई गाड़ी के अंदर, और बात करें भाई चार चैनल की, तो ग्राउंड जीरो का चार चैनल लग रहा है, जिससे चार मिड चल रही है अपनी सिल्वेस्टर। एसडमी का एक चार चैनल लग रहा है, जिससे ट्यूटर चल रहे हैं सामने, उसको पॉड बनने चले जाएंगे, पॉड में लग जाएंगे। हैनीबल के ट्यूटर लगा रखे भाई ने, और 1-3000 आराम इसका हमने भाई इसमें मोनो लगा दिया, जो अपने 1000 INDI चलाएगा। और इन सबको पावर दे रहा है भाई अपना लिथियम बैंक एलिथियम का। और जीरो गेज हुआ, चार गेज हुई अपनी स्पीकर वाली, सब टैब एंड मार के स्लीव लगा के रेस्टिंग लगा के भाई बढ़िया काम कर दिया सारा। अब इसका एक बार सेटिंग कर लेते हैं, बूफर लगा लेते हैं, फिर इसका आपको आउटपुट सुनाएंगे बढ़िया। और वायरिंग भाई हमेशा की तरह बहुत साफ़ सुथरी, जितनी अच्छी काम कर सकते हैं भाई उतनी अच्छी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही अच्छी कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे भाई हैं जो बहुत सारा काम अच्छा अच्छा करते हैं, तो हम भी अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बेटा तेरा गैरेट का रोल रह गया नीचे, ऐसे निकाल लियो, नहीं तो 8000 चले जाएंगे। देख वो पड़ा गैरेट का रोल, दिख गया, हाँ चीता ही कहते हैं बेटे। चल भाई इसमें बूफर लगा लेते हैं, पेटी लगा लेते हैं, फिर इसकी सेटिंग करेंगे, फिर इसका आपको आउटपुट सुनाएंगे लास्ट में। तो भाई हमारे पास ना स्विफ्ट के पिलर बोर्ड भी आ चुके हैं मन के, और वरना के भी आ चुके हैं, तो आपको वरना दिख जाएगी एक आध दिन में जिसमें सेटअप करना हमें। और ये पॉड है भाई अपने स्विफ्ट के, तो इसमें इन्फिनिटी की मिड लगेगी और हैनीबल के ट्यूटर लगेंगे, और इसमें फोकल के भाई पूरा 3 वे लगेगा, तो इसकी तो दिक्कत ही नहीं है, ये पूरा सिंगल वे लगेगा। बाकी हमने भाई थोड़ी कोशिश करी है थोड़ा अपना स्टोर को सुधारने की, वैसे जग स्टोर बढ़ गया छोटा, और ऊपर वाली दुआ से काम हो गया हम पे ज़्यादा, ठीक है जी। अब सामान रखने के लिए थोड़ी जगह छोटी पड़ने लगी है, तो भगवान ने चाहिए अगले साल थोड़ा सा बड़ा स्टोर देखेंगे, तब तक इसी से काम चलाते हैं, क्योंकि सामान होने लगा भाई धीरे धीरे ज़्यादा, और हमारे पास जगह थोड़ी सी कम पड़ने लगी, क्योंकि वेस्टेज बहुत है हमारी जगह। एक ये वेस्ट जगह है भाई, पूरी गैलरी ख़राब कर रखी है, और एक ये गैलरी ख़राब कर रखी है, और इस गैलरी के पीछे भी बहुत जगह है वो भी ख़राब कर रखी है। चलो बाकी अपनी मरीजा में काम चलेगा भाई। तो भाई बूफर की पेटी अंदर रख दी है, अब इसकी एक बार सेटिंग कर लेते हैं, सेटिंग करेंगे सारे गेट बंद करके आराम से, उसके बाद आपको आउटपुट सुनाएंगे जब इसकी कंप्लीट हो जाएगी। बढ़िया लग रही देखने में, देखो कितना अच्छा थंबनेल मिल गया मुझे। तो भाई स्कॉर्पियो का काम हो चुका है ख़त्म, क्या हाल है साहिल? बढ़िया जी। चलो बूफर लग गए, ये भैया अपने साथ बैठे, अभी बूफर थोड़े साल के बज रहे क्योंकि नए है ना, तो 2-4 दिन बाद जब भाई इंटीरियर कराना आएंगे, क्या नाम है, छत पीला वीलर हमने सब उतार लिया, एक बार दोबारा सेटिंग कर लेगा, 3 दिनों कुछ होना था है नहीं सेटिंग से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जितनी अच्छी बजेगी उतनी अच्छी बजेगी। फिलहाल जैसी बज रही है भाई अभी ये सुना देते हैं आपको, लो जी। भाई को वरना का सेटअप सुना देते, उसके बाद हम चल रहे खोली। जब अंकित भी अंदर बैठा, ऐसे करता रहे कर, ऐसे करता रहे कर, काम मत कर, ये करता रहे कर, बाबा तुझे खाने दे रहा साले। चलो तो भाई अब भाई को डेमो दे देते हैं, फिर चल रहे हैं खोली। लो जी भाई पहुंच के खोली, जय बाबा धुना बाबा का, जय बाबा। जय बाबा 12 बजे भीड़ पड़ी है, ये लो
ये रहा भाई घोड़े वाले। पहुंच चुके अपने स्टोर पे, बाबा के दर्शन करा दिए आपको रात को। तो भाई स्कॉर्पियो जो हमारे पास रात को आई थी, तो उसमें जो हमने प्लान करा था 3000, तो 3000 प्लान कैंसिल करके, मतलब कुछ बजट का इशू था, तो 3000 हटा के हमने बारह भाई को दे दिया 1500 के दो, मतलब सिंगल बूफर पे सिंगल मोनो। तो ये काम हो गया बहुत अच्छा और सस्ते में भी हो जाता भाई, सबसे अच्छी बात तो ये। तो सेटअप हमारा बिल्कुल सेम ही रहा, 2 1500 ये रहे, एस एंड बी 4 चैनल नॉर्मल वाला हो रहा, और ग्राउंड फ्लोर अपना जो 4 सिलेक्टर बजा रहा ये रहा। भाई एक स्कॉर्पियो ये हमारे पास भाई की गाड़ी है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसमें छोटे मोटे दो काम करने हैं। इसमें एक 52 नंबर लगाना है और 2 एम्पो की वायरिंग चेंज करनी है बस, इसमें छोटा सा काम यही है। और भाई ने पाइनियर चैंपियंस के 2 12 12 लगा रखे भाई, बढ़िया बस्ते होंगे, मतलब पंजाबी हरियाणा तो बढ़िया बस्ते हैं जो जेन्युइन बात है। तो इसमें काम कर लेते हैं, फिर लास्ट में दिखाएंगे उसका आपको आउटपुट। सही है, तार तो मजबूत ही लगा रखे हैं, देखो सरकारी तार नहीं है लेकिन ये तो है, वो आगे है? आगे से तो काट भी रखी है, वो काट रखी लेकिन ये वो नहीं है, ग्रे और सब ऐसी आती है ना, ये भी सरकारी है भाई। अरे है तो सरकारी है लेकिन इसका रंग तो बदला हुआ है, सरकारी थोड़ी मजबूत, थोड़ी है भी सरकार है, ये बीजेपी की सरकार चल रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। तो भाई जो बाहर स्कोर पे खड़ी ना, उसको बहुत सारे पैनल ऐसे थे जो हमने पेंट कराए, बिल्कुल साफ और ऐसा लग रहा है जैसे मैट ब्लैक होता ना, सेम वैसे ही भाई अच्छा लगता है देखने में। इसमें बहुत सारे पैनल है, एक एरा 3-4 पैनल वहाँ रखे हैं, और बाकी छोटे मोटे पार्ट जो हमारे पीछे रखे हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी छत तो भाई आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके जो सीट कवर है, जिस दिन सीट कवर लगेंगे उसे दिन फिट करेंगे, सारे काम एक ही साथ करेंगे। तो अभी फिलहाल ऐसे में मोनो चेंज कर देते हैं, बाकी तो सारा काम 2-4 दिन बाद ही होगा। रात को ना आपको वरना का सेटअप दिखाना भूल गया मैं, तो ये रहा भाई सेम अपने बूफर, ये रहे बैंक अपना, ये रहा, बस हमने ये ऐड कराया इसमें छत्र, पता बढ़िया अच्छे से फट्टा लगा दिया कोने पर, ताकि इसकी वायरिंग छूट जाए और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, और जितनी भी नीचे वायरिंग वो भी नहीं दिखेंगे, खाली आपको ये दिखेगा, ये इसका मेन कपड़ा दिखेगा, 2 आर्सलेट दिखेंगे बस। और चाहता तो मैं इसमें ऊपर भी फट्टा लगा सकता था, लेकिन मुझे ये जो चीज़ है ना भाई, चाहता तो मैं हल्का सा इसमें होल करके बाहर निकाल देता, मगर नहीं, चीज़ ख़राब नहीं करनी, कभी मन करा कि मेरा कोई भरोसा रहे नहीं भाई मैं इसे चलाऊँ ना चलाऊँ, तो ये जो चीज़ थी खाली एक चैन यहाँ पर, वो भी कपड़े के अंदर है, कभी बॉडी के अंदर सोच रहे हो या लाइट के अंदर, नहीं खाली कपड़े में, एक यहाँ और एक नीचे, बाकी आराम से ज़्यादा हिलता डुलता तो है नहीं, काम मेरा बढ़िया चल जाता है। और ये भी मैंने FEL जा रखा है, अगर ये हटा दूँ तो प्रॉपर फिट हो जाएगा, कभी फ्यूचर में कोई भी चीज़ हटेगी तो मुझे किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं है भाई, वरना भी चलते भाई ये साफ़ हो जाती है ना, गंदी तो बहुत ही बुरी लगती है। अब इसमें एक दिक्कत परेशानी हो रहा भाई, अब जो इसका टच है ना, ये देखो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ एक बार, हमारी ज़िंदगी में कितने दुख हैं, चल बेटा स्टार्ट हो जाए। जो मेरे बहुत सारे भाई कहते हैं ना कि सामान रख दो कोई दिक्कत नहीं होती, ख़राब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो हमारा सेटअप जो है ना ब्रीजा का, हद मार के 5-7 दिन पहले ही, 5-7 दिन नहीं 10-15 दिन हो गए हटे हुए। देखो अब इसका टच बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ ज़्यादा कम सब करता है, लेकिन मैटर ये कभी कभी ऐसा होता है करूँगा आवाज़ गाना चेंज हो जाएगा। चलो ये तो ठीक है, मेरे पे रिमोट आ जाएगा, रिमोट भी नहीं चल रहा इसका भाई अभी। अब देखो ये देखो, मतलब यहाँ दबाऊँगा और यहाँ भी दबाऊँगा, ये रुकते हैं, ये BT का कनेक्शन है, ये BT का फ़ोन है, यहाँ सेटिंग खुलती है BT से, अब ना ये चल रहा है और ना ये चल रहा है। तो भाई रखे रखे जो है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ही है, मतलब मेरे तो चलता हुआ तो उतार था, मैंने तो कोई दिक्कत नहीं थी। और बात करें भाई रिमोट की, देखो रिमोट ये रहा, अब रिमोट से ना आवाज़ कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, तो इसका कोई अंदर का कोई पत्ता वत्ता है जिसके चक्कर में ये बटन नहीं चल रहा, एक दो इसके टच नहीं चल रहे और ये रिमोट नहीं चल रहा। तो भाई रिपेयरिंग पर अभी थोड़ी बहुत देर में इसे भेज दूंगा, उससे पहले आपको आउटपुट सुना देता हूँ इसका, फिर ये थोड़ी बहुत देर में रिपेयरिंग से वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता भाई मेरे साथ, तो ये मुझे तो आदत पड़ रही है इन सब चीज़ों की, मुझे टेंशन नहीं है, कोई चीज़ ख़राब हो गई है एक या दो दिन परेशान करेगी ठीक हो जाती है भाई, परेशान मत होगा, पुरानी चीज़ें परेशान ही करती हैं भाई। वरना एक बार आउटपुट सुन लेते हैं, 6 रुपये भाई इस गाड़ी में कैसे हो जाए, खाली 4 ही सिलेक्टर में भाई, 2 ही छोटी छोटी मिड रेंज है, तो मेरी गाड़ी के लिए तो मुझे तो इतना बहुत लगता है, वरना के लिए इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है इसमें। तो एक बार आपको आउटपुट सुना देते हैं कैसा आ रहा है, चलो जी चलो जाओ।
कॉपीराइट वाले गाने, इनमें ना बूफर का मतलब पता नहीं है लगता। मैं आपको भी इंग्लिश सुनाता हूँ, एक आधा थोड़ा बहुत तो बेस भी फील होगा, और ये शीशे पीछे सब हिलते हैं, शीशे पीछे ऐसे ऐसे तो नहीं हिलते, लेकिन ऐसे ऐसे जरूर हिले थोड़े थोड़े। मजा आता मतलब अंदर बैठ कर तो मजा आता भाई। दिन उन बात क्या देख रहा हूँ, आज बात कर ले थोड़ी सी। बहुत सारा आदमी होते हैं देखते हैं व्लॉगिंग करते, तो अपने आप अपने अकेला ही बात करे जा रहा, तो इन्हें क्या पता हम कितने हजार आदमी से बात कर रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, एक बार इंग्लिश गाना सुनाता हूँ छोटा, क्योंकि उसमें कॉपीराइट की दिक्कत रहती है भाई, दो चार सेकंड के सुना पाऊंगा, मतलब आपको फील हो जाएगा वाइब्रेशन का पता लग जाएगा। ये भाई इसमें जो इंडिकेटर रहता है ना क्लिपिंग का, तो ये मैंने मोनो से बिल्कुल एंड पे कर रखा है, जहाँ क्लिपिंग आ जाती है ना मैं उसको वहीं पे मैंने छोटा का गेन, क्योंकि ये जो है अगर थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो क्लिपिंग ज़्यादा आने लगती है, तो इसमें तो खैर क्लिपिंग है भी, और मोनो में तो प्रोटेक्शन का मोड भी है, उसमें लाल हो जाती है जब ज़्यादा बेस आता है ना, तो पीले से सीधा लाल हो जाता है और अपना मोनो बंद हो जाएगा, तो मतलब ख़राब नहीं होता, लेकिन प्रोटेक्शन मोड पर चला जाता है, फिर थोड़ी देर जो है उसको बंद रखो, फिर वो अपने आप चालू हो जाता है। इसका ऐसा नहीं है कि भाई ये मुझे गाड़ी बंद करनी पड़ेगी, नहीं, अगर हमने बूफर थोड़ी देर के लिए भी अगर बंद हो जाते हैं, आवाज़ कम हो जाती है, तो मोनो अपने आप दोबारा चल जाता है, बूफर दोबारा चलने चालू हो जाते हैं। तो भाई वरना का सेटअप तो भाई मेरे को तो बहुत डिसेंट लग रहा है, आप कमेंट से जरूर बताना भाई कैसा आपको लग रहा है, बाकी सारा काम हमारा अच्छा हो चुका है। पूरी बॉडी हिल रही है इसकी। स्कॉर्पियो का सेटअप हो गया हमारा रेडी, हमने सारे एम्प लगा दिए भाई बूफर लग गए। ये तो घर चिकना हो गया, ये अब पानी लग जाएगा तो साफ हो जाएंगे एकदम। लोग करते हैं एंड, और बात करें भाई स्कॉर्पियो का सेटअप किया, जो भी काम मैंने अपनी वरना में करा वो भी आपको दिखा दिया, बढ़िया चल, दोनों सेटअप चल रहे हैं, वरना का सेटअप भी अच्छा बन रहा था, उसका टच ठीक होकर आ गया भाई, वो आपको अगले व्लॉग में दिख जाएगा दिखने के लिए, बटन वटन सब सेट हो गया, तो बहुत छोटी छोटी दिक्कत होती है लेकिन ठीक हो जाती है, ज़्यादा परेशान नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो किसी भी भाई को अगर ऐसा काम कराना हो तो हमारा स्टोर है नोएडा सेक्टर 10C12, और हमारा नंबर है 9311435637। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय बाबा।